ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की मैं आज आपको एक ऐसे टिप प्रोवाइड करूंगा जिससे 100% आज ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, चाहे दो चार बार वीडियो देखनी पड़े, दो चार बार उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। पहले वीडियो देख लो, फिर ट्राई करो, दोबारा फिर से आकर वीडियो देखो, फिर सेकेंड टाइम ट्राई करो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड यू विल इम्प्रूव अलॉट। अकेडमिक और जीडी दोनों को मैं ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप है ये आप दोनों के लिए काम आएगी और मैं कैम्ब्रिज को इस बार यूज़ कर रहा हूँ। द ओनली रीज़न इज ताकि आपको डिफ़िकल्टी लेवल शो कर सकें। बिल्कुल लेटेस्ट कैम्ब्रिज बुक 19 को यूज़ किया जा रहा है ताकि जो लेटेस्ट डिफ़िकल्टी जो रियल एग्जाम अभी आ रहा है उसकी डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा सके। थिंग्स बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे की सारी बात होती है कीवर्ड की। देखो सारा कुछ बोल कर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखो कि यू नीड टू फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। यू नीड टू फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। सारा क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर टिका हुआ है, बस उसको पहचानना सीखना है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर ध्यान मत दो, आप किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान ना दो, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि मैंने अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को ढूंढने की। और आज जो आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड का जो पहला मेथड मैं समझाने जा रहा हूँ वो है एक ऑपोजिट कीवर्ड, एक ऐसा कीवर्ड जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो, समथिंग फॉर विच द ऑपोजिट इज पॉसिबल। एक ऐसा कीवर्ड चुनना है अपने पूरी इस लाइन के अंदर जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो और उसकी वेटेज हो। जैसे यहाँ पर देखिए, सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आर मिस्टेकन अबाउट द पॉइंट व्हेन नंबर सोसाइटी सच एज कंग बिगेन टू डिक्लाइन। तो इनमें आप देखो कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं दैट आर मेकिंग मोर सेंस, जिसका ऑपोजिट पॉसिबल है। ऑपोजिट जैसे यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या रहा है, मिस्टेकन, कि वो उसके बारे में गलत है। जैसे आपको ये कैसे पता चलता है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देखो, इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेट्स से मानकर चलो कोई एग्जांपल है, कोई दोस्त था जिसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और आपने उसको फ़ोन लगाया और उसने कहा कि जो मेरी मेडिसिन अभी चेंज कर दी है और जो डॉक्टर है वो भी बदल गया है, पहले के मुकाबले मेरा रूम भी चेंज कर दिया है, बट मेरी जो कंडीशन है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। तो खुद सोचो, क्या आप ये ध्यान दोगे मेडिसिन कम ज़्यादा हो चुकी है, रूम वगैरह मेरा चेंज कर दिया गया है, मेरी जो बेडशीट है वो बदल दी गई है, अभी जो कलर है रूम का कलर है वो चेंज कर दिया गया है। नो, इट डज नॉट मैटर टू यू। आपके लिए जो मैटर करता है कि अगर दोस्त की हालत अच्छी है तो आप खुश होगे, अगर बुरी है तो दुखी होगे। सो इतना कहने के बाद ओनली कीवर्ड दैट मैटर्स टू यू इज दैट वन की डिटेल। की डिटेल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल की हालत कैसी है। सिमिलरली जो ये सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ के बारे में गलत हो। सो गलत हो के सही हो, दैट इज द कीवर्ड दैट मैटर्स द मोस्ट। अब आगे आ जाते हैं 37th क्वेश्चन में, देखते हैं। ह्यूमंस हू डेवलप वॉर लाइक ट्रेड्स इन प्री हिस्ट्री वुड हैव हैड एन एडवांटेज ओवर दोज हू डिड नॉट। सो जिनके पास वॉर लाइक ट्रेड्स थी, मतलब लड़ाई झगड़े वाली ट्रेड्स थी, उनको फायदा है। तो आप क्या कहते हो, कोई फायदा हुआ? आपने इतने पैसे लगाए थे किसी चीज़ के ऊपर, तो आप अल्टीमेटली क्या पूछते हो, क्या इस चीज़ का कोई फायदा हुआ? तो एट द एंड दिस इज द एडवांटेज। सो पहले कीवर्ड ढूंढना सीखते हैं, फिर आगे स्ट्रेटजीज की तरफ चलते हैं। बींग पीसफुल एंड कोऑपरेटिव इज अ नेचुरल वे। सो ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, जो ये सारे कीवर्ड्स हैं ना, जो ये सारे कीवर्ड्स हैं, फिर मैं कह रहा हूँ बार बार समझो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ही मैटर करता है। आप कहते हो ना नॉट गिवन में प्रॉब्लम आ जाती है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड इफ दिस इज नॉट गिवन और नॉट, तो उसका रीज़न क्या रहता है कि आप बाकी चीज़ें ढूंढते रहते हो। बट अगर, चलो पहले टिप ही बता देता हूँ, जैसे एडवांटेज है, अगर वहाँ पर लिखा है कि एडवांटेज है दिस इज ट्रू, और यस यस लिखेंगे, ऑब्वियसली ट्रू नहीं लिखना, यस। और अगर वहाँ पर लिखा है कि ये चीज़ नुकसानदायक है, देन नो। चाहे ये सब कुछ मेंशन हो, इवन इफ एवरीथिंग इज मेंशन, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारा मेंशन नहीं है, तब नॉट गिवन है, बाकी चीज़ों से कोई ध्यान लेना देना नहीं है। इसीलिए क्लासेस, चलो अभी तो हमारी ये टिप चल रही है पूरी फुल फ्लैश टिप से चल रही है, क्लासेस में भी हम 2 दिन लगाते हैं टू अंडरस्टैंड दीज टिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को कैसे ढूंढना है प्रॉपरली, बिकॉज दे आर अदर वेज टू इसको ढूंढने के। बट पहले इस चीज़ को आपने फिक्स कर लिया तो आपका वैसे ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, नेगेटिव ट्रेड्स आर मोर अपेरेंट इन सम मॉडर्न कल्चर्स देन इन अदर्स। चलो वैसे मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, आपने 100 जगहों पर पहले ही सुन लिया होगा। ऐसे जो डिग्रीज वाले क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर नॉट गिवन आते हैं, 10 में से 6-7 बार ये चीज़ काम कर जाती है। आई डोंट वांट टू से दैट, बट यस इट हैपन्स। फिर देखिए 14th, एनिमल सर्च हैज़ फेल्ड। सो ये चीज़ फेल हो चुकी है कि जो एनिमल सर्च है, तो लिंक बिटवीन इनके
मेन कीवर्ड क्या है, फेल। अगर तो फेल हुआ है ट्रू, अगर वो कामयाब हुआ है फॉल्स, अगर सारा कुछ मिल जाता है आपको, फेल हुआ है कि कामयाब हुआ, दोनों चीजें मेंशन नहीं है, देन नॉट गिवन जाएगा, दैट इज अ कीवर्ड दैट मैटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ढूंढो, सेम मिल गया उसके जैसा, सेम सेम आई मीन टू से कि सेम मीनिंग मिल गया, मिस्टेक वर्ड नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वहां पर एरर लिखा हो, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग लिखा हो, नॉट करेक्ट लिखा हो, मिस्टेकन का जो आ जाता है, दे आर नॉट करेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर सेम मीनिंग मिल रहा है देन दैट इज यस और ट्रू। अगर ऑपोजिट मिल रहा है, वहां पर लिखा है कि दे आर परफेक्टली फाइन, दे आर करेक्ट अबाउट दैट थिंग, देन आप नो लिखोगे, अदरवाइज नॉट गिवन चला जाएगा। ना ही आपको सेम मिला, ना ही आपको ऑपोजिट मिला, ओनली देन इट्स गोइंग टू बी नॉट गिवन। हमें और चीजों से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए आप, होपफुली आप समझ गए होंगे। चलो इनके थोड़े से अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। सो कुछ जो लोग हैं वो मिस्टेकन हैं, और एक चीज का और ध्यान रखना है, दो दो क्वेश्चन एक साथ लेकर चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड के साथ। मैं थोड़ा सा दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो पहले है मिस्टेकन, देन एन एडवांटेज, न्यूट्रल वे, देन आ जाता है नेक्यूटेट्स आर मोर अप्रेंट, सो मोर इन सम इन मॉडर्न कल्चर, सो मोर कीवर्ड हमारा हैज फेल्ड। दो क्वेश्चंस को साथ में लेकर चलें, 36 और 37। अब 36 क्वेश्चन कर रहे हो, आपने लिस्ट से इसका आंसर यस लगा दिया, उसके बाद 37 और 8 लेकर चलो साथ में। अब सॉल्व 37 कर रहे हो, परंतु 37 से पहले 38 मिल गया, देन 37 आपका जो है नॉट गिवन चला जाएगा। 37 ढूंढ रहे थे, 38 से पहले 37 मिल गया, ये आपका नॉट गिवन चला जाएगा। ओके, दिस इज अनदर थिंग जो आपने ध्यान में लेकर चलनी है। सो पहले ढूंढते हैं कंग को, KUNG, कंग। सो एन में क्वेश्चन से आ रहे हैं, बिल्कुल एन में, तो लास्ट पैसेजेस में ही जो इनके आंसर्स मिलने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, ओके, इरा सेकंड पैरा, इससे पहले भी देखते हैं ऊपर ऊपर से। सो नॉफ्ट, सो लास्ट में ही आएंगे, वहीं से हम देखेंगे, क्योंकि बड़े अक्षर वाले नेम होते हैं और बाय चांस इसके साथ इस तरीके का साइन भी आ जाता है, तो ढूंढना थोड़ा सा इजी आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, एक तो हमारे पास ये वाले लोग हैं, हमने क्या ढूंढना है कि दे आर मिस्टेकन एंड एट द सेम टाइम जिन लोगों की वार लाइक सिचुएशन है वो उनके लिए फायदेमंद है। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो बहुत सारे जो ये लोग हैं बिलीव करते हैं सोसाइटी सच एज कंग वर नॉर्मल अंटिल अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन व्यू ऑफ द अबव देयर सीम लिटिल रीजन टू अज्यूम दैट ट्रेड सच एज रेसिज्म वॉरफेयर मेल डोमिनेशन शुड हैव बीन सिलेक्टेड बाय एवोल्यूशन दे वुड हैव बीन ऑफ लिटिल बेनिफिट, सो उनका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना था। इंडिविजुअल्स हु बिहेव्ड सेल्फिशली एंड रूथलेसली वुड बी लेस लाइकली टू सर्वाइव, जो लोग मतलब अपने लिए जीते थे, रूथलेसली जीते थे, उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 37 का आंसर क्या आएगा, वहां पर कोई फायदा नहीं था, सो एडवांटेज है, दिस इज नो। सो देखो 36 जो है वो या तो नॉट गिवन हो सकता है, या फिर इसका आंसर ऊपर रह चुका है, सिंपल थिंग, या तो इसका आंसर ऊपर रह चुका है तो इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बींग पीसफुल एंड कॉपरेटिव इज अ न्यूट्रल वे ऑफ पीपल टू बिहेव, सो एक न्यूट्रल वे है, नेगेटिव ट्रेट्स मोर अपरेंट है, तो देखते हैं क्या ये न्यूट्रल, कह रहा हूँ सॉरी, नेचुरल वे है, पीसफुल एंड कॉपरेटिव रहना इज अ नेचुरल वे। इट मेक्स मोर सेंस देन टू सी ट्रेट सच एज कॉपरेशन, जो भी आगे आगे नव नो आईडी इनके भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट दो चीजें हमारे पास कॉपरेशन इनके आई मीन टू से प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी। पीसफुलनेस एज एन इनेट कैरेक्टरिस्टिक, नाउ चीज आ जाती है इनेट, अगर इनेट का मतलब पता है तब तो आंसर आप इसका येस नो नॉट गिवन लगा दोगे, अगर नहीं पता है देन जस्ट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए जो वोकेबलरी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर दी हुई है उसको जरूर आप देखें, अर्शप्रीत आप देख सकते हो वहां पर, अर्शप्रीत 1 देन NONLY, ठीक है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इनेट का मतलब आ जाता है समथिंग जो जिससे जो आपके नेचुरल होती है, और नेचुरल होने का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, इज अ नेचुरल वे फॉर पीपल टू बिहेव, सो दिस इज यस, उन्होंने क्या लिखा था कि एक इनेट क्वालिटी है। ओके आगे चलते हैं। बट इफ प्री हिस्टोरिक लाइफ वाजंट रियली एज ब्रूटल एज ऑफ्टन बीन अज्यूम्ड, व्हाई डू मॉडर्न ह्यूमंस बिहेव सो सेल्फिशली एंड रूथलेसली, सो आजकल के लोग ऐसा क्यों करते हैं। वहां पर लिखा था कि कुछ मॉडर्न सोसाइटी ज्यादा इस तरीके से बिहेव करते हैं, कुछ लेस,
सो ट्रू आने के लिए हमें मोर वर्ड मिलेगा ही मिलेगा, फॉल्स आने के लिए हमें लेस वर्ड मिलेगा ही मिलेगा, नॉट गिवन के लिए चाहे सारी दुनिया मिल जाए आपको बट यस और नो नहीं, ये मोर और लेस नहीं मिला तो दैट इज नॉट अवर आंसर. Result of environmental psychological factor. Research has shown repeatedly that when the natural habitats of primates such as apes. So देखिए जानवरों की बात शुरू हो चुकी है, अभी तक हमारे पास more or less नहीं आया है. So answer क्या चला जाएगा इसका, is going to be not given. So सीधा नहीं लगा देना कि more or less आ गया तो not given आ जाएगा, ऐसा सीधा नहीं लगाना है. You must make sense, you must read it first. So animal research ने fail किया है कि कोई link नहीं है. और यहाँ पर देखिए क्या वर्ड आ रहा है, रिपीटेडली शोन, शोन रिपीटेडली, बार बार ये चीज प्रूव किया. वहां पर लिखा है कि फेल हो गया है और वहां पर लिखा है, इस जगह पर लिखा है जो हमारे क्वेश्चन है ये फेल हो चुका है. तो क्या लगता है, इज इट गोइंग टू बी यस और नो? आंसर इज गोइंग टू बी नो. सो वहां पर फेल नहीं हुए, उल्टा वहां पर तो बार बार ये चीज सामने आई है, बार बार उन्होंने रिपीटेडली इस चीज को किया है और ये भी हमारा नॉट गिवन चला जाएगा क्योंकि उससे पहले 37 हमें मिल गया था. It's all about keyword selection. Keyword selection is the most important thing. Next batch जो है हर एक month की 15 को शुरू होते हैं, 15 November को next batch शुरू होने वाला है. So if you have time, complete month, तो आप classes consider कर सकते हो, otherwise tips भी आप